कहाँ जा रही हो? जहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी वहीं पे उन्होंने बुलाया है। तुम्हें नौकरी करने का इतना शौक क्यों है? और वो भी इतनी गई गुजरी, कोई ढंग की नौकरी होती तो चलो समझ में भी आता है, पहले तुम वो बस में धक्के खाती रही, कम बदनामी हुई, और अब ये तुम टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रही हो। डिग्री तो तुम्हारे पास कोई है नहीं कि तुम्हें कोई इज्जत वाली जॉब मिले। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, अपना घर बसा लो, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ना माशरे वाले जीने नहीं देते। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस हादसे से गुजरी हूँ। इसकी भी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या जरूरत थी इतने बड़े आदमी के साथ चक्कर चलाने की? अब क्या सारी जिंदगी तुम रिश्तेदारों के घर में इसी तरह पड़ी रहोगी? पहले बहन के घर और अब फूफी के घर। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत ख्वार होते हुए देखा है। तुम भी जॉब ट्राई करके देख लो, और अगर नौकरी ना मिले ना तो खुदा के वास्ते हैदराबाद वापस चली जाना, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, किस तरह पेट काटकर हम अपने बच्चों को पालते हैं ये हम जानते हैं। आगे तुम समझदार हो जी। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की कमी कहाँ है इस शहर में? दफ्तर वाले वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही तो नौकरी पर रखते हैं, तालीम और डिग्री कौन देखता है। ये खुशी के मौके पर किस किस्म की बातें लेके बैठ गई तुम? नगीन एक मेहनती और ईमानदार लड़की है, और उसकी मेहनत के सिले में ये नौकरी दी है उसे। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी 20,000। 20,000? अरे वाह, तुम लड़कियां भी कितनी खुशकिस्मत होती हो ना। और एक ही रिजवान साहब हैं, पिछले 20 साल से सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन 25,000 पे मैं इस घर का मीटर कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ। बस कर दो, तुम्हारे तो दुखड़े ही खत्म नहीं होते। खुशी का मौका है, बच्ची को मुबारकबाद दो, मिठाई खिलाओ उसे। मुझे क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की, जैसे मेरे लिए नौकरी कर रही है। पप्पू मिठाई। खुश रहो बेटा, अल्लाह अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। भाभी ये रख लें। ये क्या? ये कुछ एडवांस है, दफ्तर वालों से लिया था। तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझती हूँ, जानती हूँ अगर यहाँ पे रुकूंगी तो आपके माली हालात पर बोझ बनी रहूंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा, रिश्वत दे रही हो मुझे, इतना गिरा हुआ समझा हुआ मुझे? बिल्कुल नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इस घर का फर्द बनकर रहना चाहती हूँ, मेहमान नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये रख लें। अच्छा तुम जिद कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ, वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मेहमान से भला कौन पैसे लेता है। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना अम्मा को और रिजवान को मत बताना, वरना वो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमसे पैसों का तकाजा किया, जबकि ये पैसे तुम मुझे खुद दे रही हो, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी, बल्कि मैं आपको हर माह अपनी आधी तनख्वाह भी दे दिया करूँगी, लेकिन आप भी इस बात का जिक्र घर में किसी और से मत कीजिएगा। चलो ठीक है, सही है। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे पीएन से कुछ मंगवा के खा लूंगी। लाफिस।
क्या जरूरत थी तुम्हें नायला भाभी को पैसे देने की? अगर देने ही थे तो कम से कम पुप्पी पुप्पा को बताकर तो देती, उनको भी पता होता। नायला इतनी लालची और मकार औरत है कि हर माँ तुमसे पैसों का तकाजा करेगी, और तुम भी इतनी बेवकूफ हो कि हर माँ उसके हाथ में आधी तनख्वाह रख दिया करोगी। अगर नायला भाभी को आधी तनख्वाह देने से उनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हर्ज है। मैंने सारी जिंदगी इनके साथ नहीं रहना, मैं सोच रही थी कि अगले माह ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। अपनों के होते हुए क्या जरूरत है तुम्हें धक्के खाने की? अब हर माँ पैसे दे रही हो तो रहो वहाँ पे, कम अज कम इज्जत तो होगी। मैं सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकती ना, इतनी मुश्किल से स्टोर रूम में गुजारा कर रही हूँ। दम घुटता है मेरा। वो घर जैसा भी है, कम अज कम अपनों का सहारा तो है, और तुमने कौन सा कोई वहाँ सारी जिंदगी रहना है? शादी के बाद वैसे आप हर बात के बीच में शादी क्यों ले आती है? क्योंकि शादी करना बहुत जरूरी है, खास तौर पे हमारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हॉस्टल में रहने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते। आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं? बहुत याद करते हैं तुम्हें, हर वक्त पूछते रहते हैं खाला कहाँ चली गई, कब आएंगी। और आप? तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ नगीन, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल का कोई टुकड़ा साथ काट के ले गई हो तुम। राशिद भाई कैसे हैं और उनका रवैया आपके साथ? वो कभी नहीं बदलेंगे, सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। उस वाक्य के बाद मेरा दिल ही नहीं करता इन माँ बेटे की शक्ल देखने को। बच्चे बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं नगीन, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। खैर, तुम मुझसे रास्ते में रहना नगीन, और अपना बहुत ख्याल रखना।